तो ये देखिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये आप आईटीओ की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जहां पर कैसे लगातार किसान संगठन के लोग वहां जुटे हुए थे और लगातार हंगामा हमने देखा। दिल्ली पुलिस के जवानों पर ट्रैक्टर तक चढ़ाने की कोशिश, और ये कुछ देर पहले की तस्वीर जहां पर जिस लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, उस लाल किले की प्राचीर पर वहां पर किसान संगठनों में से कोई एक शख्स वहाँ उस पोल पर चढ़कर उसने अपना झंडा वहाँ पर लगा दिया, उसमें किसान संगठनों का झंडा भी एक शामिल है। और देखिए इसको लेकर प्रतिक्रिया भी आ गई है सरकार की तरफ से। पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल कह रहे हैं कि ये नहीं किया जाना चाहिए था। पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल का बयान आ गया है इस पर, और उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्होंने लिखा है कि ये जो किया गया है, लाल किला हमारे लोकतंत्र की मर्यादा का प्रतीक है, आंदोलनकारियों को लाल किले से दूर रहना चाहिए था, इसकी मर्यादा उल्लंघन की मैं निंदा करता हूं, ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। तो देखिए अब लाल किले के प्राचीर के बाद उस गुंबद पर भी चढ़े हुए हैं कुछ लोग, कुछ देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, हमने देखा था पहले वो प्राचीर पर तिरंगा फहराया गया, अब इस वक्त हम देख रहे हैं गुंबद के ऊपर भी वो झंडा, तिरंगा की जगह वहां झंडा फहराया गया किसान संगठनों का, और यहां भी वो झंडा दिख रहा है। बताइए आप क्या देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए झंडा फहराया गया था वहाँ पर, काफ़ी बड़ी संख्या में किसान वहाँ पर मौजूद थे। हालांकि जब पुलिस बल पहुँचा, किसी तरीके से समझा बुझाकर उनको नीचे उतारा गया, कुछ झंडे पुलिस ने खुद उतारे, लेकिन जो प्राचीर है लाल किले की, उस प्राचीर पर बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में किसान वहाँ पहुँचे थे, और वहाँ पर अलग अलग जो यूनियन है उसके झंडे वहाँ लगाए गए थे, जिनको अब फिलहाल उतार लिया गया है। फिलहाल की तस्वीर अगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए किस तरीके से जो तमाम किसान हैं अब वो बाहर की तरफ लाल किले से आते हुए साफ तौर पर दिखाई दे सकते हैं। पुलिस ने काफ़ी समझाने बुझाने की कोशिश इनको की है, और उसके बाद तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो किसान हैं अब वो लाल किले से बाहर की तरफ निकल रहे हैं। हालांकि बीच में थोड़ा सा बल प्रयोग करने की ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि कुछ किसानों ने लगातार तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी थी, तो उसको लेकर फिलहाल ये आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से जो किसान हैं आकर। मैं चाहूँगा कैमरामैन से तस्वीरें आपको दिखाते रहें, ये देखिए तस्वीरें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। मैं चाहूँगा कैमरामैन से इधर की तरफ आएं और तस्वीरें आपको दिखाएं, ये देखिए बड़ी संख्या में पुलिस बल है, लेकिन पुलिस बल इस वक्त साइड में यहाँ पर खड़ा हुआ है, क्योंकि पुलिस बल इस्तेमाल नहीं हो रहा है यहाँ पर। पुलिस कोई भी चूक यहाँ पर नहीं करना चाहती है, ताकि और बवाल की स्थिति पैदा हो। और ऊपर की तस्वीरें मैं आपको गौरव दिखाना चाहूँगा, ये देखिए इधर से, मैं चाहूँगा कैमरामैन से आपको दिखाएं, ये ठीक, ये देखिए तस्वीरें गौरव, किस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में इस वक्त जो किसान हैं वो लाल किले के ऊपर मौजूद हैं। हालांकि अब लाल किले से बाहर निकलना किसानों ने शुरू कर दिया है, और पुलिस भी इस वक्त साइड में खड़ी हुई है। एक तरीके से कह सकते हैं कि पुलिस सरेंडर मोड में आ चुकी है, कोई बवाल ना हो उसके लिए पुलिस फिलहाल कोई बल प्रयोग यहाँ नहीं किया जा रहा है। किसानों को समझा बुझाकर ही उन्हें लाल किले से बाहर भेजने की कवायद इस वक्त चल रही है। जी बिल्कुल, तो कवायद चल रही है समझा बुझाकर इन लोगों को यहाँ लाल किले से बाहर भेजने की, लेकिन इन लोगों ने अब से कुछ देर पहले जो किया वो हम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले जिस जगह पर लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराया जाता है वहाँ झंडा लहराया, और उसके बाद लाल किले के गुंबद पर चढ़कर वहाँ अपना झंडा लगा दिया। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें, लेकिन फिलहाल पुलिस वहाँ से अब खाली करा रही है लाल किले को, और इन लोगों को वहाँ से समझा बुझाकर आगे बढ़ने को कहा जा रहा है, वहाँ से हटने को कहा जा रहा है। लाल किले पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज भी करना पड़ा, क्योंकि वहां पर स्थिति काफी गंभीर हो चुकी थी। पुलिस ने लाल किले से प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया है। आप तस्वीरें दिखाते रहिए जितेंद्र, हमें हम देख पा रहे हैं इस वक्त लाल किले पर अभी भी गहमा गहमी की स्थिति दिखती है, अभी भी काफी लोग वहां देख पा रहे हैं। आप तस्वीरें दिखाइए इस वक्त, आप क्या देख पा रहे हैं वहां? बिल्कुल बिल्कुल गौरव, देखिए काफ़ी बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कैमरामैन से कोशिश करें एक बार अंदर की तस्वीरें आपको दिखाने की। ये देखिए, जहाँ पहले आपको लाल किले की प्राचीर पर बड़ी संख्या में किसान अपनी अपनी पार्टी का झंडा लेकर वहाँ खड़े हुए दिखाई दे रहे थे, अब वो तमाम किसान नीचे की तरफ आ चुके हैं, और कोशिश यही है पुलिस की कि जल्द से जल्द जो पूरा लाल किला है, जो परिसर है, उसको खाली करवाया जाए, किसानों को समझा बुझाकर बाहर भेजने की कोशिश इस वक्त यहाँ चल रही है। ये देखिए, ये लाल किले का चौराहा है, ठीक सामने गौरी शंकर मंदिर है, एक तरफ लाल मंदिर है, और वहीं चौराहे पर देखिए इस वक्त बड़ी संख्या में आपको ट्रैक्टर ट्रोलियां यहां नज़र आ रही होंगी, और बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो यहां मौजूद हैं। हालांकि कोशिश
पुलिस की यही है कि समझा बुझाकर इनको वापस भेजा जाए। और हालांकि ये देखिए ट्रैक्टर बाहर भी जाना शुरू हो चुके हैं, लाल किला जो परिसर है उससे बाहर निकलना शुरू हो चुके हैं। हालांकि बीच में कुछ जो किसानों के बीच में उपद्रवी थे उन्होंने जो लाल किले की ग्रिल थी उसको उखाड़ने की कोशिश की थी, पुलिस के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे तैसे पुलिस ने स्थिति को संभाला है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त किस तरीके से जो पुलिस है वो साइड में खड़ी हुई है और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द जो किसान है यहाँ पर उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से लाल किला जो परिसर है उसको खाली करवाया जाए। गौरव बिल्कुल, तो ये तस्वीरें देखिए जो हमारे संवाददाता जितेंद्र आपको दिखा रहे हैं, अब पुलिस पूरी कोशिश ये कर रही है कि लाल किला परिसर को खाली कराया जाए। काफ़ी तादाद में वहाँ पर किसान संगठनों के लोग जुट गए थे तो कुछ देर पहले प्राचीर पर और गुंबद पर उन्होंने तिरंगा जहाँ पर लहराया जाता है प्राचीर पर वहाँ पर अपना झंडा लहराया, लेकिन अब वहाँ से इन किसानों को हटाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस कोशिश कर रही है कि शांतिपूर्वक बिना कोई बवाल हुए बिना कोई हिंसा हुए समझा बुझाकर इन लोगों को वहाँ से निकाला जाए। और इसलिए देखिए अब धीरे धीरे ट्रैक्टर्स को वहाँ से रवाना किया जाता हुआ ट्रैक्टर जाते हुए, ये हम आपको लाल किले और जो चांदनी चौक की तरफ जो गौरी शंकर मंदिर है उसके बीच की जो सड़क है वहाँ की तस्वीर दिखा रहे हैं। जितेंद्र मैं गलत तो नहीं हूँ? जितेंद्र आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल गौरव, बिल्कुल आवाज आपकी आ रही है मेरे तक। ये देखिए गौरव तस्वीरें आप किस तरीके से जो तमाम पुलिसकर्मी हैं वो आपको साफ तौर पर दिखाई देंगे कि लाल किले से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि जो पुलिस चौकी थी उस पुलिस चौकी में उस वक्त काफ़ी बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात था, लेकिन जैसे ही जो भीड़ थी वो उग्र हुई उसके तुरंत बाद वहाँ से पुलिसकर्मी ये देखिए किस तरीके से वहाँ से बाहर वापस, ये ठीक गौरी शंकर मंदिर है उसके सामने जो मार्केट है लाजपत राय मार्केट वहाँ आकर खड़े हुए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि इस वक्त सरेंडर मोड में है पुलिस। कोशिश यही है कि पुलिस की तरफ से कोई गलती पुलिस अपनी तरफ से नहीं करना चाहती है ताकि मामला और गंभीर हो जाए, तो लिहाजा बस कोशिश यही चल रही है पुलिस की तरफ से कि बल प्रयोग करने की जगह किसी तरीके से इनको समझाया जाए, इनको समझा बुझाकर लाल किला परिसर खाली करवाया जाए। लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो लाल किला परिसर के अंदर ही मौजूद हैं। हालांकि जो लाल किले की प्राचीर थी उससे तमाम किसानों को नीचे उतार दिया गया है।